नमस्कार दर्शक मित्रों, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। इस संसार के कण कण में श्री राम है, हर मानव के मन में श्री राम है। अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को अपने व्यक्तित्व में अपना ले तो जीवन धन्य हो जाता है। प्राण प्रतिष्ठा का आज शुभ अवसर है। आज के दिन प्रभु श्री राम अयोध्या के मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में जगह जगह पूजा पाठ और हवन किए जा रहे हैं। दिल्ली की रानी बाग में आर्य समाज की ओर से हवन के जरिए प्रभु श्री राम के भक्ति सराबोर जयकारे सुनाई थी। इस दौरान वहां मौजूद आर्य समाज से सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक लोगों से जनमत की पुकार के मुख्य संपादक आर के जयसवाल ने बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं आर के जयसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं मौजूद हूँ रानीवा के आर्य समाज मंदिर में, जहाँ पे यज्ञ किया जा रहा है। आदिवासी बच्चे यहाँ पे यज्ञ कर रहे हैं और इनके बीच में आए हैं विश्व हिंदू परिषद से सुनील जी। क्या कहेंगे, आपके लिए तो बहुत ही खास है दिन है। विश्व हिंदू परिषद के तरफ से पूरे हिंदू समाज को इस पावन राम जन्मभूमि पे जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे समाज का 500 वर्षों का संघर्ष का इतिहास रहा है। उस 500 वर्षों के संघर्ष के अंदर कभी भी हमने उस मंदिर पे, राम मंदिर के जो जन्मभूमि का मंदिर था उस पे कभी भी हमने अपना दावा नहीं छोड़ा और 76 बार संघर्ष हुआ और आखिर में ये शुभ घड़ी हमारे सामने आई है। और उस शुभ घड़ी पे समग्र हिंदू समाज को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन काल में हमें ये देखने का समय मिल रहा है कि हिंदू समाज के अंदर हमने जो हमारे आक्रांताओं ने हमारे से जो समाज स्थान छीने थे उन स्थानों को हमने पुनः प्राप्त किया है। और आने वाला समय जो जिसको कहते हैं, ये आने वाली जो शताब्दी है, ये आने वाला समय है हिंदू समाज का स्वर्णिम युग होने वाला है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी अमृत काल कहते हैं। तो हमारा जो हिंदू समाज का अमृत काल प्रारंभ हो चुका है और आने वाले समय में विश्व गुरु का जो हमारा पद था, विश्व गुरु को जो रूप में जाना जाता था हिंदू समाज को, भारतवर्ष को जो आर्यव्रत के नाम से भी जिसे जाना जाता है, पुनः हम विश्व गुरु का स्थान प्राप्त करेंगे। ये हमारी कामना है और यही हम सबका प्रयास है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है एक लंबा संघर्ष रहा है आप लोगों का। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। विश्व हिंदू परिषद 76वें संघर्ष का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पूर्व भी 75 बार संघर्ष हुए पिछले 500 वर्षों में। मैं इस समय स्मरण करना चाहूँगा हमारे विश्व हिंदू परिषद के जो पूर्व में महामंत्री थे, बाद में अध्यक्ष हुए परम पूजनीय श्री अशोक सिंघल जी, जिनके नेतृत्व के अंदर पूरे देश भर के अंदर संत समाज इकट्ठा हुआ और उस संत समाज के आह्वान के ऊपर संत समाज के नेतृत्व में हिंदू समाज ने एक संघर्ष किया और उस संघर्ष की परिणति आज आप देख ही रहे हैं। उस संघर्ष के बाद हमने मर्यादा पुरुषोत्तम, जिसको हम राम जी को पूजा करते हैं, उसी मर्यादा का पालन करते हुए हमने कोर्ट में सभी साक्ष्य प्रस्तुत करे, हमने कोर्ट के सभी आज्ञाओं का पालन किया। जब हमारे सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने सर्वसम्मति से निर्णय किया कि अब वहाँ पे मंदिर आपका था और मंदिर आपका पुनः निर्माण होना चाहिए, तो उन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादाओं का पालन करते हुए हमने हिंदू समाज से आह्वान किया कि हमें मंदिर बनाना है और उस मंदिर को बनाने के लिए हमारे को आर्थिक सहयोग किया जाए। और ये परम हर्ष का विषय है कि हिंदू समाज ने इतना आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग किया, जो हमारा जो जिसे आप कह सकते हैं कि जो अनुमानित लागत थी उससे कई गुना ज़्यादा हमारे को हिंदू समाज ने धन प्रदान किया और उसी की परिणति के रूप में आज ये मंदिर बन रहा है। यह मंदिर किसी भी सरकारी सहायता से नहीं बन रहा, यह मंदिर हिंदू समाज के अपने ही कंट्रीब्यूशन से, अपने ही भाग से बन रहा है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। आर्य समाज जो है भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम से जानते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम कौन? जिन्होंने हर एक पिता की पुत्र के प्रति क्या होनी चाहिए, पत्नी के प्रति क्या होना चाहिए, भाई के प्रति क्या होना चाहिए, उन मर्यादाओं को जो स्थापित किया महर्षि दयानंद सरस्वती ने, उसी मर्यादाओं को हमेशा सम्मान किया। आर्य समाज सदा से सम्मान करता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम को। मूर्ति पूजा का हम
कतई आर्य समाज नहीं मानता, और हिंदू समाज के अंदर कई तरह की पूजा पद्धतियां हैं। आर्य समाज भी है, सिख पंथ भी है, जैन पंथ भी है, बौद्ध पंथ भी है, परंतु सबके सम्मान के केंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। खट्टर साहब, आदिवासी बच्चे हवन कर रहे हैं आज समाज मंदिर में। देखिए जयसवाल जी, आज निस्संदेह पूरे भारतवर्ष में उत्सव का माहौल है, तो इस उत्सव में हमारे भारत के जो आदिवासी क्षेत्रों से हमारे छात्र छात्राएं यहाँ पर रहती हैं, ना केवल जो यहाँ पर रहती हैं, अपितु हमने आज असम, नागालैंड, त्रिपुरा, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि सभी क्षेत्रों में यहाँ पर आर्य समाज के छात्रावास गुरुकुल उन बच्चों के लिए चलते हैं, उन सभी में हमने आज यज्ञ का आयोजन किया है। सभी स्थानों पर आज यज्ञ का आयोजन हो रहा है, गायत्री यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और हम लोगों ने भी अपने आर्य समाज के माध्यम से 20 तारीख को सामवेद के 1875 मंत्रों की आहुति देकर के इस दृष्टि से और इस भावना के साथ कि पूरे भारत में शांति बने रहे, क्योंकि सामवेद शांति का प्रतीक है, तो इसलिए हमने सामवेद की आहुतियाँ दी, और इसके साथ साथ हमने 21 तारीख को भजन संध्या के माध्यम से, हमने कल यहाँ पर 6 से 8 बजे तक भजन संध्या रखी थी, पहले यज्ञ किया उसके बाद भजन संध्या रखी, उस संध्या के भजनों के माध्यम से हमने सबको ये संदेश दिया कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, जिसके कारण से आज हिंदू एक होने जा रहा है, जिसकी हमें प्रतीक्षा थी 500 वर्षों के बाद ये कार्य होने जा रहा है, प्रत्येक हिंदू इन कार्यों में संलग्न है, प्रत्येक हिंदू आज उत्सव मना रहा है, उस उत्सव में हमारे ये आदिवासी बच्चे भी शामिल है, आज हम लोग अभिभूत हैं, आज हम लोग उत्साहित हैं कि इतना भव्य मंदिर 500 सालों के बाद बनने जा रहा है, तो आर्य समाज भी इसमें पीछे नहीं है, पूरी दिल्ली की आर्य समाजें इसको आयोजन कर रही हैं, ना केवल पूरी दिल्ली की बल्कि हमारे पूरे भारत के जो आदिवासी क्षेत्र हैं उन सब में इन आयोजनों का एक श्रृंखला बनी हुई है और वह निरंतर चल रही है, और आज हम लोग इसी आयोजन के मद्देनजर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और सभी लोग आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, बड़े उत्साह के साथ इन कार्यों को वो कर रहे हैं, आपका भी प्रधानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी आए हैं, उनका भी हृदय से आभार। देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आर्य समाज के बच्चे यहाँ पे हवन कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ, नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ, नमस्कार।